माय नेम इज़ गंगा अधिकारी। मुझे सर लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा लगा सो मैंने सर लोगों के साथ काम करने का सोचा। सो आज शूट चल रहा अभी। सर नया मैसेज देना चाहते हैं गाने के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, आप भी इस गाने का पार्ट हैं, तो कैसा लगा आज जो मेकिंग चल रही है यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब के बारे में क्या बोलो, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सर, क्रिएटिव बस सिखाते भी है, बहुत अच्छा लगा सर लोगों के साथ काम करके। इसमें मेरे फ्रेंड्स का, माय फ्रेंड्स का सपोर्ट है, सहयोग है इनका। द फ्रेंड्स आर सपोर्टिंग मी लाइक हेल, दे सेड गो अहेड, जस्ट डू व्हाट यू फील गुड एंड यू नो एंजॉय, जस्ट एंजॉय, हैव फन। तो हर किस्म के गाने करता हूँ, अभी जैसे रैप सॉन्ग किया है, आई डन दिस रैप सॉन्ग, उसके बाद वॉइस भी मेरा है, एंड उसके बाद मैं रोमांटिक सॉन्ग्स आई एम डूइंग, देन आई एम डूइंग वन सूफी इमोशनल सॉन्ग, सूफी सॉन्ग्स, डिफरेंट ऑल वैरायटी, एनी लैंग्वेज डजंट मैटर। आई सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स वेरी वेल, सेलिन डियोन और यू नो व्हाट्स हिज नेम, मेनी अदर दिस सिंग, व्हिटनी ह्यूस्टन, और जस्ट नेम देम, आई कैन सिंग, ऐसे करता हूँ। एनी वे माई नेम इज़ लेस्ली मार्टिन। अभी मैं तो यहाँ रहता हूँ नहीं, कैनेडा, आई एम अ सिटीजन, आई हैव अ पासपोर्ट फ्रॉम कैनेडा एंड दिस थिंग। मैं यहाँ पर आया हूँ बस, मतलब पुरान, अभी देखो ज़िंदगी में सब कुछ है, आई एम वेरी कम्फर्टेबल, बट स्टिल यू नो मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स आर ऑल हियर एंड दे हैव एनकरेज मी, सिंस यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ फिजिक, वाई डोंट यू कुछ क्यों नहीं करते हैं कुछ अच्छा, मतलब वाई डोंट यू समथिंग, एंड दे आर सपोर्टिंग मी एंड आई एम जस्ट डूइंग वट एवर बेस्ट आई कैन। आई हैव सर्व द इंडियन फोर्सेज, 71 वॉर, आई हैव सीन एवरीथिंग इन माई लाइफ, I left on compassionate grounds after so many, my friends have got injured and all this thing. I've come, sacrificed kiya life ke liye, and now this is like, you know, I was living a stressful life, stress, anxiety. So this has taken away everything, all of my, mere sab bimari, all my sickness, everything is disappeared. I feel healthy again. I go for workouts, I get up in the morning. I live a very healthy life. That's my, this thing, motto, do something for this. So giving back to my country, whatever, if something comes, it's just, you know, I want to do something like charity or something. आज जो गाना शूट करें बताओ ना, तो ये सबसे ज़्यादा सर का आशीर्वाद है कि सर ने हमारे सर पे हाथ रखा है कि तुम आगे बढ़ो, जो मेरे साथ हो सकता है मैं सब करूँगा। हम फिल्म का मुहूर्त करने से लेकर, शूट करने से लेकर, मतलब सिंगिंग में आपको जो भी हेल्प चाहिए, मतलब सब कुछ वो कर रहे हैं। और हमारी जो फिल्म है इसका नाम रखा कि मेरा यार तू, मेरा यार मतलब ये सबके लिए होता है कि ये मेल फीमेल के लिए। और ये स्टोरी कैसे है कि एक इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव सब होता है, जो आज अच्छा है ना वो कल बुरा भी होगा, जो बुरा है वो अच्छा भी हो सकता है, जो प्यार करने वाला नफरत करेगा, नफरत करने वाला प्यार करेगा। हमारी ये ट्रायंगल लव स्टोरी है, जो हीरो है वो एक टाइम पे मतलब को छोड़ देता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, कि मुझे मेरे प्यार चाहिए चाहे किसी भी कीमत पे। विलेन है क्या कि मुझे किसी भी कीमत पे प्यार चाहिए, चाहे किसी को मारना पड़े, लेकिन वो सोचता है नहीं यार प्यार के लिए सब नहीं करना चाहिए, जो मैं प्यार करता हूँ तो उसको मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मतलब यूनिक और अलग ही स्टोरी, एक्शन ट्रेंगल लव स्टोरी। और रशियन दोनों मिक्स करके यहाँ पे शूट करें, मॉडल को बुलाए, सर हम लोग इंडियन मेंटेलिटी में थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्या ना कि बात जब कल्चर की करते हैं लेकिन जब सोच कपड़े की सोच की पहने आते हैं ना तो पिज्जा ही खाएंगे, जाके पिज्जा ही खाएंगे और पहने के सोच पहने, नहीं हम किसी से कम नहीं। हकीकत यह है कि इंडियन लड़कियां हो तो कोई देखते ही नहीं, रशियन रहे फॉरनर रहे, बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये माइंड सेट है सबका, लेकिन बात कल्चर की आती है, नहीं नहीं वो गलत कर रहे हैं। तो हमें तो बेसिकली लोगों को एंटरटेन करें, एंटरटेन का मतलब लोगों को अच्छा लगे, कि हम इंडियन देखने वाले के इंडियन, वेस्टर्न देखने वाले को वेस्टर्न, दोनों फ्लेवर दे दिया, कम से कम किसी को तो अच्छा लगे। सर का काम काज बाहर है लेकिन इंडिया में आके उन्होंने मूवी स्टार्ट की है और काफ़ी अच्छा कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? सर मैं इनका कहूँ, इनके बारे में कहूँ ना, तो मेरे पास शब्द नहीं है जो इन्होंने हमारे लिए, खासकर मेरे लिए
और इंडस्ट्री के लिए उन लोगों को चांस कर दे रहे हैं जिनके लिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ा कि भाई आपने किसी के लिए कुछ किया हो। अगर रियली अगर इंडस्ट्री में टैलेंट की वैल्यू होती ना सर, तो आज मैं बहुत आगे होता। आप सोच नहीं सकते इंडस्ट्री में कि अगर मैं जो कुछ कहूँगा ना तो बहुत गलत वर्ड होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। जो इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट डांस टीचर सुकुर से, जो मतलब कि इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट सारे स्टार उसके बाद डांस सीख गए, 90% स्टार, प्रियंका चोपड़ा, जॉन इब्राहिम, नीतू मुखी, कुणाल कपूर, फरदीन खान, महिमा चौधरी, मतलब ऑल जो मैंने जो डांस टीच किया उस टाइम पे, एसिस्टेंट किशोर अमित कपूर से लेकर यहाँ तक, जो अल्लू अर्जुन, रामचरण, जॉन इब्राहिम, प्रियंका चोपड़ा, उनको असिस्ट करके उनको टीच किया हुआ, लेकिन आज तक हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं। लेकिन सर ने आज चांस दिया है कि मैं दूंगा आपको और मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। आज इनका एक ही शब्द है कि भाई मेरी तो उम्र नहीं है लेकिन आपके लिए कुछ कर जाऊँ। और वो भी कौन, वो फॉरेन में रहने के बाद यहाँ के लोग, नहीं जी हम तो जाके डिस्को में पैसे उड़ाएंगे लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करते। तो हमने पैरेलल एक सोची समझी है कर एक प्लान कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड की नकल नहीं करेंगे। नकल भी होगी लेकिन थोड़ी सी अक्ल चला, मतलब बॉलीवुड की नकल नहीं करेंगे। और साथ में अब दादा साहब फाल्के ने शुरू किया, फाल्के फिल्म इंडस्ट्री, हम उसको प्रमोट करेंगे। हमने पैरेलल एक फिल्म इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं कि बॉलीवुड को रिप्लेस करें और दादा साहब फिल्म इंडस्ट्री यानी कि फाल्के फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं कि हमें अपना नया लड़का, नया लड़कियाँ सबको चांस दें। अगर इस इंडस्ट्री में पता करें मेरे बारे में, तो कम से कम मैंने 35 सॉन्ग डायरेक्ट कर चुका हूँ जो अपलोड है वीडियो में यूट्यूब पे, 35, और जिसमें सारी लड़कियाँ लड़के वो है जिसको किसी ने काम ही नहीं दिया, हमने सबको काम दिया उसमें। वो मोटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, काली है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस अच्छी लड़कियों को सब चांस देते हैं, इनको कौन देगा। आज एक मूवी का जो आपने शूट कर रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए क्या है ये मोमेंट और क्या शूटिंग करने जाने के बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, सर अगर पहले से म्यूजिक से रिलेटेड बात करूँ तो हमारे काफ़ी सीनियर जो काफ़ी फिल्में की हिट गाने आप सुन के बड़े हुए हैं, वो इनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है तबुन सूत्रधार। वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वेरी टैलेंटेड, आज तक के जितने भी बड़े से बड़े सिंगर उन्होंने सबके साथ उन्होंने गाना किया हुआ है, सभी इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। और रहे सर आर्मी से लेकर लोग अपने रिटायर होने के बाद लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं काटते हैं जितने काटते हैं, लेकिन सर वापस स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर। आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक मिसाल है कि इनको कैसे होना चाहिए, यानी कि जिंदगी काटना नहीं है, वो वापस बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं। अब बिगनिंग से क्या किया, अपना जॉब ख़त्म किया, उसके बाद स्टार्ट किया इन्होंने आफ्टर 70 ईयर होने के बाद कि सिंगिंग अब स्टार्ट, बिगनिंग स्टार्ट है इनका। अभी इनके बच्चे बेसिकली इनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन ये बच्चे हैं। गाना इज वेरी डिफरेंट आज के मॉडर्नाइज के, आजकल के जो बच्चे सुनते हैं हिप हॉप स्टाइल, रॉक, जैसे कि आपको डिस्को में चलने वाला, शादियों में चलने वाला, इस टाइप के मतलब अलग ही टाइप के सॉन्ग आप सुन सकते हैं कि इनके स्टाइल एटीट्यूड इज कमाल। तो अब हमें वीडियो भी इसी टाइप से करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिप हॉप हो, स्टाइलिश हो, लड़कियाँ हो, मतलब कि आज को मॉडर्न जमाने के हिसाब से, और आज यंग लोगों को जो पसंद आती है यंगस्टर को, उसी टाइप का सॉन्ग कोशिश कर रहे हैं कि उसी टाइप का मेकिंग भी हो और वीडियो ऑडियो सेम पैरेलल जस्टिफाई कर पाए। आज का जो